वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे आप अपने YouTube चैनल के लिए कंटेंट स्ट्रेटजी बना सकते हो, राइट? और ये कंटेंट स्ट्रेटजी बनाने के लिए हम यूज करेंगे टोटल 5 टूल्स का, ठीक है? पहला टूल है हमारा गूगल का कीवर्ड प्लानर, ठीक है जी, गूगल एड्स का कीवर्ड प्लानर। और दूसरा टूल है हमारा जिसका नाम है कीवर्ड शीटर, राइट, शीट या शीटर जो भी आप कहना चाहो, कीवर्ड शीटर। तीसरा है YouTube itself, चौथा है कोरा, एंड द लास्ट वन इज आंसर द पब्लिक, ठीक है? तो हम ये टोटल 5 टूल्स का यूज करेंगे और इन 5 टूल की हेल्प से हम अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी डिसाइड करेंगे। सबसे पहली चीज जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो आपका यूट्यूब चैनल है उसका बैकबोन है आपका कॉन्टेंट, ठीक है? देखो, आप फ्यूचर में कुछ भी करना चाहोगे, आप एक ऑडियंस बिल्ड करोगे, उस ऑडियंस को कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप सेल करोगे, कुछ अफिलिएट्स करोगे, तो वो ऑडियंस आप पे तभी यकीन करेगी जब आपका कंटेंट पावरफुल हो, जब आपका कंटेंट यूजफुल हो, जब आपका कंटेंट बाकी जो कंटेंट है यूट्यूब पे उससे बेटर हो। अगर अभी देखो, बहुत सारे लोगों ने डिजिटल के यूट्यूब चैनल बना रखे हैं, उन लोगों ने किया क्या है, उन्होंने मेरा फेसबुक एड्स का कोर्स खरीदा है और जो मैं फेसबुक एड्स के कोर्स में बता रहा हूं वही बातें वो जाके अपने चैनल पे बता रहे हैं। बहुत सारे चैनल ऐसे मैंने पकड़े। अगर आप ऐसे चैनल बनाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि जो आपकी नॉलेज है, जो आप उस पर शेयर कर रहे हो, वो हमेशा जो मेरी नॉलेज है उससे कमी होगी, क्योंकि आप सीधे मेरा कॉपी कर रहे हो, राइट? बट अगर आप अपने आप में एक एक्सपर्ट हो किसी फील्ड में, आपको खुद उस फील्ड की नॉलेज है, आपने खुद उस जो भी आप क्राफ्ट सिखा रहे हो उसको प्रैक्टिस किया है, देन आप उस पे ओरिजिनल कंटेंट दे सकते हो, ऐसा कंटेंट दे सकते हो जो आप सही तरीके से प्रेजेंट कर सको, राइट? तो कंटेंट हमेशा सबसे पावरफुल है। कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी अगर आप कर क्या रहे हो, अगर आप जस्ट कंटेंट कॉपी करके कंटेंट पेस्ट कर रहे हो, ठीक है? ऐसे कंटेंट का कोई फायदा नहीं है। तो अब देखते हैं कि कैसे हम अपना कंटेंट स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं, आपको कैसे कैसे कंटेंट बनाना है। तरीका नंबर वन जो मैंने यूज किया है, ये सबसे इजी तरीका है। अगेन, ये तरीका तभी काम करेगा जब आपको अपने फील्ड की नॉलेज है। ये तरीका क्या है? तो बहुत ही सिंपल है। आप या तो एक नोटपैड लो, ठीक है, एक पेन लो, या एक एक्सेल शीट खोल लो, डॉक खोल लो, कुछ भी खोल लो, और से आपकी इंडस्ट्री है बॉडी बिल्डिंग, है ना, आप बॉडी बिल्डिंग के ऊपर चैनल बना रहे हो, तो आप उसमें वो सारे टॉपिक्स लिखो जिस जिसकी आपको अच्छे से जानकारी है, राइट? अगर मैं बॉडी बिल्डिंग की बात करूं तो सबसे पहले मैं लिखूंगा से एक्सरसाइजेस, राइट? देन मैं लिखूंगा सप्लीमेंट्स, देन मैं लिखूंगा फूड, है ना? तो ऐसे मैंने जितने टॉपिक्स हैं उस सब की मैंने ब्रॉड टॉपिक लिख लिया, ठीक है, मेन टॉपिक लिख लिया। अब मैं सबसे पहले गया सप्लीमेंट्स के अंदर, अब मैं सप्लीमेंट्स के अंदर सब टॉपिक्स लिखूंगा। जैसे पहला मैंने लिखा कितने टाइप के सप्लीमेंट्स हैं, देन मैंने लिखा कौन सा सप्लीमेंट किस चीज के लिए है, तीसरा मैंने लिखा कौन सा सप्लीमेंट अच्छा है, कौन सा खराब है, चौथा मैंने लिखा सप्लीमेंट्स के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, पांचवा मैंने लिखा कि सप्लीमेंट्स के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है? तो ऐसे आप सब डिवाइड करोगे, फिर मेन कैटेगरी को अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट्स में सब डिवाइड करोगे, और देन आप उन एक एक पॉइंट्स को पकड़ के उस पे वीडियो बनाना स्टार्ट करो। सिंपल स्ट्रेटजी, कोई टूल का यूज नहीं करना, कुछ नहीं करना है, ठीक है? अब हम दूसरी स्ट्रेटजी पे चलते हैं जो कि थोड़ी जिसमें आपको मेहनत ज्यादा करनी है। अब वो स्ट्रेटजी क्या है कि हम रिसर्च करेंगे लोग क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आऊंगा कहां, खुद यूट्यूब के ऊपर, राइट? और मेरी नीश है बॉडी बिल्डिंग, तो सीधे मैं यहां पर लिखूंगा बॉडी बिल्डिंग, सिंपल बॉडी बिल्डिंग, राइट? अब देखो सबसे ऊपर क्या चल रहा है, एथलीन एक्स एक चैनल है, एक वेबसाइट है, अब ये ऐड चल रही है, तो मैंने इस ऐड को खोला। अब इस ऐड पे देखो क्या चल रहा है, तो ये एथलीन एक्स ने बता रखा है चेस्ट वर्कआउट, उसके नीचे आओगे देखो बेस्ट चेस्ट इन बॉलीवुड इन बॉडी बिल्डिंग, 4 years ऑफ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, माई फर्स्ट शो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, देखो बॉडी बिल्डिंग ऑन अ बजट, Eat for breakfast,
संग्राम चौगले, और अब देखो यहाँ से एक दो चीजें दिख रही है मेरे को। क्या? पहला, एक तो चेस्ट वर्कआउट्स जो नंबर वन आ रही है वीडियो ऑर्गेनिकली, है ना, वो है चेस्ट वर्कआउट। दूसरी अगेन देखो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, है ना। तो दो टॉपिक तो मैंने यहीं से उठा लिया, पहला चेस्ट वर्कआउट और दूसरा मैंने उठा लिया नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, कि भैया इन दोनों पे मुझे वीडियो बनानी है, ठीक है। और तीसरा देखो बॉडी बिल्डिंग और बजट, ठीक है। तो तीसरा मैंने ये टॉपिक बना लिया कि बजट पे कैसे करना है। अब इस पे मैं मल्टीपल टॉपिक्स बना सकता हूं। अगेन आपको कंटेंट कॉपी नहीं करना, ये जस्ट हम एक टॉपिक उठा रहे हैं, इसमें आपको वो चीजें बतानी है जो आपने खुद प्रैक्टिस की हुई है। देखो वो चीज कभी भी प्रीच नहीं करनी जो आपने प्रैक्टिस नहीं की। अब दिक्कत क्या है, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रैक्टिस खुद कुछ नहीं किया बट दे आर प्रीचिंग अलॉट। बहुत लोग हैं कि भैया फेसबुक ऐड ऐसे बनानी, और जिंदगी में उनसे एक बार पूछो भैया कितनी ऐड बनाई है, तो जिंदगी में उन्होंने टोटल 500 रुपए ऐड पे खर्च किए हैं और वो आपको यूट्यूब चैनल के थ्रू ज्ञान बांट रहे हैं कि चैनल यूट्यूब यू नो फेसबुक ऐड ऐसे बनाओ, फेसबुक ऐड ऐसे बनाओ। अगर आप गलत किसी को राय दोगे देन दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क, आपका चैनल लॉन्ग टर्म में ग्रो नहीं होगा, राइट। तो हमेशा बात वो करनी है जो आपने प्रैक्टिस किया, ठीक है। तो सबसे पहली मेरे को क्या चीज दिखी, चेस्ट वर्कआउट। तो एक मैं अब बनाऊंगा यहां पे जाके डॉक्यूमेंट, है ना, एक्सेल फाइल। यहां पे मैं गूगल डॉक बना रहा हूं, आप कुछ भी बना सकते हो, एक्सेल फाइल भी बना सकते हो। और यहां पे मैं लिख लूंगा पहली चीज चेस्ट वर्कआउट, ठीक है। अब मैं वापस आऊंगा और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, देखो मेन मैं ब्रॉड टॉपिक लिख रहा हूं, है ना। तो मैंने लिखा नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेशन। अब देखो ये भी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है ना, और बॉडी बिल्डिंग ऑन बजट। अब देखो ये बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है लोगों का, क्योंकि उनके पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, एंड बॉडी बिल्डिंग अगर आप कर रहे हो तो उसमें बहुत रिसोर्सेस की जरूरत होती है ना, प्रोटीन सप्लीमेंट्स ये वो। और इंडियन नंबर वन बॉडी बिल्डर, अभी देखो टीनेज बॉडी बिल्डिंग एडवाइस, वर्कआउट मोटिवेशन, देखो फुल डे ऑफ ईटिंग, है ना, ये भी ईटिंग से रिलेटेड है। तो ईटिंग और बॉडी बिल्डिंग। अब देखो एक चीज देखो, अभी तो हमने पूरी कंप्लीट भी नहीं की। अब चेस्ट वर्कआउट के ऊपर ही मल्टीपल वीडियोस बनाई जा सकती हैं। पांच बेस्ट चेस्ट वर्कआउट के एक्सरसाइजेस क्या हैं? पांच कौन सी मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं चेस्ट वर्कआउट में? तीन चेस्ट वर्कआउट एक्सरसाइजेस जो आपको हमेशा करनी है, राइट। और कैसे, सपोज आपने भी चेस्ट वर्कआउट किया है और आपने अच्छी चेस्ट डेवलप की है, तो कैसे आपने चेस्ट डेवलप की अपनी, प्लस आप किसी और के चेस्ट वर्कआउट का एग्जांपल दे सकते हो, राइट। सेम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में अलग अलग सीरीज बन जाएंगी। बजट बॉडी बिल्डिंग, कैसे बजट करें, कौन से सप्लीमेंट्स लें अंडर बजट, कौन सा फूड लें अंडर बजट। तो अगेन सीरीज ऑफ वीडियोस इन चारों टॉपिक पे हम बना सकते हैं। ईटिंग फॉर बॉडी बिल्डिंग, तो बेस्ट ब्रेकफास्ट क्या है फॉर बॉडी बिल्डर्स अंडर बजट, राइट। और बेस्ट लंच क्या है फॉर बॉडी बिल्डर्स अंडर बजट, बेस्ट डिनर क्या है, यू नो कैसे, बेस्ट चिकन रेसिपी फॉर बॉडी बिल्डर्स, बेस्ट मटन रेसिपी फॉर बॉडी बिल्डर्स। अगेन बड़ी सारी वीडियोस यहां पे मैं बना सकता हूं। अब नीचे आओगे तो ज्यादा कुछ है नहीं, अगेन वही है। तो अब एक सिंपल काम करो, अब देखो ये तो हमने देखे बॉडी बिल्डिंग, अब लिखो बॉडी बिल्डिंग इंडिया। अब देखो यहां पे अगेन आ रहा है, देखो फुल डे ऑफ ईटिंग, तो हमने पहले ही लिया हुआ है, इस पे हमें बनानी है। अब इस वीडियो को ओपन करो। अब जैसे ही इस वीडियो को ओपन करोगे देखो अब इधर सजेस्टेड वीडियोस आ रही हैं। क्या रहा है, लो बजट डाइट प्लान, ठीक है। अब ये देखो, ये 10 बातें जाने बिना प्रोटीन पाउडर कभी मत लेना, ठीक है। तो हमने ये बनाया हुआ है ना बजट बॉडी बिल्डिंग। अब देखो यहां पे प्रोटीन लिखो, अब इसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। देखो जिम मिस्टेक्स, ठीक है, तो यहां पे ले लो जिम। अब देखो मैं मेन टॉपिक ले रहा हूं, मैं कंटेंट कॉपी नहीं करूंगा, प्लीज पे अटेंशन, कंटेंट कॉपी नहीं करना है, मैं एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट ले रहा हूं। अब नीचे देखो बॉडी कैसे बनाए, राइट, हाउ टू ग्रो, हाउ टू बिल्ड गुड बॉडी, अब देखो यार है ना, हाउ टू लूज स्टमक फैट, अगेन देखो
स्टमक। प्लस एक काम और कर सकते हो, देखो जैसे इस बंदे के चैनल पे जाते हैं, इस बंदे का चैनल खोलते हैं, इस बंदे की वीडियोस देखते हैं। ओ हो, ये जाते हैं वीडियोस पे और सॉर्ट बाय मोस्ट पॉपुलर। अब देख लो कि सबसे पॉपुलर वीडियोस कौन सी हैं। ये देखो, नो जिम फुल बॉडी वर्कआउट एट होम, कि घर पे कैसे एक्सरसाइज करें। ये मेन एक टॉपिक निकल के आ गया ना, मेन टॉपिक अगेन वर्कआउट एट होम। क्यों इतना फेमस हो रहा है, खुद सोचो आप। जिम नहीं जाना पड़ेगा आपको, जिम की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, आप घर पे सीख सकते हो, है ना। स्टमक फैट हमने ले ही लिया है, लूज वेट, है ना, लूज वेट, गेन वेट, समझ रहे हो। तो ऐसे ही और बाकी चैनल भी देखोगे और उसे ऐसे ही क्या करोगे, देखो आर्म्स साइज, आर्म्स, है ना, ग्रो आर्म्स, अगेन अच्छा टॉपिक है, आर्म्स का साइज कैसे ग्रो किया जाए, राइट। तो इसके अराउंड आप सारी वीडियोस बना सकते हो, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया जहां से आप बाकी वीडियोस भी देख देख के यहां से निकाल लोगे कि कैसे आप बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड आपके पास कंटेंट आ जाएगा। दूसरी चीज, आपको जाना है कोरा पे, है ना, कोरा पे जाओ और यहां पे आप सर्च करो टॉपिक बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। जैसे ही सर्च करोगे बॉडी बिल्डिंग, आपको बड़े सारे यहां पे लोगों के सवाल दिखेंगे। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू गेट एब्स, देखो ये टॉपिक हो गया, ठीक है। देखो मैंने लिख दिया टाइम टू गेट एब्स, और नीचे आओ, हाउ डू गेट टोन्ड आर्म्स, बट ये वुमेन के लिए। अगला देखोगे डाइट फॉर लीन बॉडी बिल्डिंग, देखो डाइट के बारे में ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं तो इसको हम छोड़ देंगे। डज यू गेट फील व्हेन यू लूज टन ऑफ वेट, कैन यू शेयर ट्रांसफॉर्मेशन, देखो अभी ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो है ना, तो आप यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस बना सकते हो। व्हाट इज लाइक टू हैव अ सिक्स पैक एब, गोल्डन रूल्स ऑफ जिम, राइट। तो ऊपर हमने जिम मिस्टेक्स की बात की थी, तो अब देखो दो वीडियो, एक होगी जिम मिस्टेक्स और एक हो गया फाइव रूल्स या सिक्स रूल्स टू फॉलो, है ना। तो दो तीन वीडियोस इसके ऊपर बन जाएंगे। हाउ लॉन्ग कैन आई स्क्वैट बिफोर आई गो बिफोर इट बिकम डेंजरस, देखो स्क्वैट के बारे में है, राइट। तो यहां पे स्क्वैट लिख लो। व्हाट डू वर्कआउट डेली, हाउ डिड जॉन सीना गेट सो बिग विदाउट स्टेरॉइड्स, देखो एक स्टेरॉइड्स के ऊपर है ना, तो एक आप बना लो स्टेरॉइड्स के ऊपर कि क्यों स्टेरॉइड्स यूज नहीं करनी चाहिए, क्या क्या स्टेरॉइड्स के वो हैं, डीमेरिट्स हैं। आप प्लस एक और वीडियो बना सकते हो जिसमें आप दे दो पांच एग्जांपल कि जिन लोगों ने स्टेरॉइड्स यूज किए और उनसे क्या क्या उनको इफेक्ट पड़ा, नेगेटिव इफेक्ट, गेन मसल, राइट। तो गेन मसल अभी देख रहे हो, अभी 18-19 टॉपिक इकट्ठे हो गए, इनके सब टॉपिक पे जाऊं तो 50-70 वीडियो का काम तो यहीं से हो गया, 50-70 वीडियो का काम यहाँ पे झट से 10 मिनट के अंदर हो गया बिना किसी मेहनत के। और ये जस्ट अभी हमने दो टूल यूज किए, समझ रहे हो। तो अभी तो हमने ये क्या यूज किया था, यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग लिखा था, अब देखो इतने सारे हमारे पास ऑलरेडी आ गए। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, आंसर द पब्लिक पे जाओ, है ना, और यहाँ पे सीधे लिखो बॉडी बिल्डिंग। अब जैसे ही बॉडी बिल्डिंग लिखोगे बड़े सारे सवाल आ जाएंगे आपके पास, देखो यहाँ पे सवाल आ गए, अभी आ जाएंगे दो मिनट में। अब इन सवालों को पढ़ोगे तो यहां से और कंटेंट आइडियाज आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। सिंपल सवाल पढ़ने हैं और देखो यहां पे इतने सारे कंटेंट आइडियाज आ गए, जैसे ये रहा, हाउ बॉडी बिल्डिंग चेंज्ड माय लाइफ, हाउ बॉडी बिल्डिंग वर्क्स, हाउ बॉडी बिल्डिंग हैज चेंज्ड, हाउ बॉडी बिल्डिंग स्टार्टेड, ठीक है। तो हर किसी पे आप क्या कर सकते हो, कॉन्टेंट बना सकते हो। देखो इतने सारे क्वेश्चन, बॉडी बिल्डिंग हाउ मच कार्डियो, देखो कार्डियो कितना करना चाहिए, अगेन ये एक टॉपिक हो गया आपके पास। बॉडी बिल्डिंग हाउ मेनी कैलोरीज, तो देखो कितना मस्त यहाँ पे देखो वो आ रहा है, कार्डियो कैलोरीज, देख रहे हो। यहां से कोई भी नीश हो, अभी जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं इससे आप
बहुत सारा कंटेंट ढूंढ सकते हो जिस पे आप वीडियोस बना सकते हो, कमी ही नहीं है कंटेंट की, इतना कंटेंट है। कैन बॉडी बिल्डिंग मेक यू टॉलर, कैन बॉडी बिल्डिंग कॉज डिप्रेशन, कैन बॉडी बिल्डिंग किल यू, कैन बॉडी बिल्डिंग स्टंट योर ग्रोथ, कैन बॉडी बिल्डिंग कॉज हार्ट प्रॉब्लम्स। अब इन सबसे रिलेटेड आप वीडियोस बना सकते हो, तो कॉन्टेंट की कमी है ही नहीं, राइट? तो ये सारे टॉपिक देखो, इस पे आप वीडियोस बना लो, क्या दिक्कत है, इतना सारे टॉपिक है। एक और चीज जो आप यूज कर सकते हो वो है कीवर्ड शिटर। इस पे क्या करना है, अगेन कीवर्ड आइडियाज पे जाना है और अपना मेन कीवर्ड बॉडी बिल्डिंग और बटन क्लिक करो। अब देखो हजारों कीवर्ड आपको यहां से मिलेंगे जिन पे आप अगेन कंटेंट बना सकते हो। देखो बॉडी बिल्डिंग वॉलपेपर, देखो कितने सारे आ गए, कंटेंट की कमी है ही नहीं। देखो बहुत सारे आ गए कीवर्ड, बॉडी बिल्डिंग मोटिवेशन, बॉडी बिल्डिंग पोस्टर, रेसिपीज, सप्लीमेंट, देख रहे हो कितने सारे कंटेंट है, बॉडी बिल्डिंग वॉटर बॉटल, योगा रूटीन, इंडिया स्टोर, देखो इतने सारे कीवर्ड इसने आपको जनरेट करके दे दिए। देखो 280 के कीवर्ड दे चुका है ऑलरेडी। देखो 350 से ज्यादा कीवर्ड अभी तक ये टूल हमें दे चुका है जिसके अराउंड मैं कंटेंट बना सकता हूं। देख रहे हो कितने ज्यादा कीवर्ड आइडियाज हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अगर स्टॉप कर देता हूं मैं, क्योंकि आते ही जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये सारे आप पढ़ सकते हो, बॉडी बिल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन कोट्स, बॉडी बिल्डिंग शोल्डर कोट्स, बॉडी बिल्डिंग कोट्स, मोटिवेशनल कोट्स। ऊपर से जाओगे तो देखो बॉडी बिल्डिंग वेबसाइट, वेट गेन, देखो वेट गेन के ऊपर बना सकता हूँ, बॉडी बिल्डिंग विटामिन के ऊपर बना सकता हूँ, बॉडी बिल्डिंग वेस्ट, तो आप बॉडी बिल्डिंग के क्या क्लोदिंग होनी चाहिए, क्या एक्सरसाइज क्लोदिंग होनी चाहिए, डाइट के ऊपर है। तो देखो इतने सारे टॉपिक हैं जिसके ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं, बहुत ही आसान, ठीक है? तो जैसे मैंने शीट बनाई, सारे आप आइडियाज ढूंढो, इस शीट में लिखो और इनके अराउंड आप वीडियो बनाओ। अब एक और टूल है जो हम यूज कर सकते हैं, वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। अब कीवर्ड प्लानर, ये गूगल एड अकाउंट कैसे बनाना है ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, अभी जस्ट मैं आपको टूल दिखा दे रहा हूं। तो अभी मैं गूगल एड्स के अंदर लॉग इन हूं, आपको यहां जाना है टूल्स एंड सेटिंग्स में और आपको जाना है कीवर्ड प्लानर पे, ठीक है? तो जैसे ही आप कीवर्ड प्लानर पे जाओगे, यहां से सिंपल कर दो गेट स्टार्टेड, डिस्कवर न्यू कीवर्ड और यहां पे लिखो बॉडी बिल्डिंग और यहां से कर दो गेट रिजल्ट्स। अब जैसे आप गेट रिजल्ट्स करोगे, देखो आपको बड़े सारे कीवर्ड रेकमेंड होंगे और यहां पे 100 है, इसको कर दो 500, ठीक है? देखो बॉडी बिल्डिंग, इतने सारे बॉडी बिल्डिंग डाइट है, प्रोटीन फूड्स फॉर बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट्स, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जिम, देख रहे हो कितने सारे टॉपिक हैं, बिगेस्ट बॉडी बिल्डर। अब देखो यहां पे एक सिंपल काम करो, जैसे इतने बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट्स, इसको कॉपी करो और यहां पे उसको पेस्ट कर दो और यहां कर दो गेट रिजल्ट्स। अब जैसे ही इसको पेस्ट करोगे, देखो बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस, बॉडी बिल्डिंग टिप्स, एब्स वर्कआउट, बॉडी बिल्डर बैग, बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट प्लान, बैक वर्कआउट, बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग, बॉडी बिल्डिंग फॉर बिगिनर्स, शोल्डर वर्कआउट, बॉडी बिल्डिंग, देखो कितने सारे टॉपिक आ गए। इन सब टॉपिक्स पे आप वीडियो बना सकते, ठीक है? तो इन सब कीवर्ड्स को कहां लिख लोगे, यहां, और देन इनके अराउंड क्या करोगे, वीडियोस बनाना स्टार्ट, ठीक है? देखो जी, कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे तो चैनल गारंटीड आपका ग्रो होगा और फिर हम सीखेंगे कि कैसे आप चैनल से पैसे कमा सकते हो। एड से पैसे कमाना तो सबसे बेवकूफी का काम है। अगर आप देखोगे तो मैं अपने एड पे, चैनल पे एड चलाता भी नहीं, राइट? तो अब देखोगे आप कि क्या क्या और तरीके हैं आपके पास टू मेक मनी फ्रॉम योर यूट्यूब चैनल, ठीक है? तो जैसे मैंने आज आपको आइडियाज दिखाए, ऐसे आप अपने चैनल के लिए कंटेंट ढूंढ सकते हो और उसके अराउंड कंटेंट बना सकते हो, ठीक है जी? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।